हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि स्विगी है, जोमैटो है या अदर कोई सी भी कंपनी है, इन कंपनी में आपकी आईडी बंद हो सकती है या बहुत से राइडर की आईडी बंद हो चुकी है, उनके क्या कारण हैं, आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है 2023 में, क्योंकि आपको मालूम है कि 2023 जो है लग चुका है और जब भी कंपनी का नया साल चालू लगता है तो कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट करती है, कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लगाती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेन चीज़ है ध्यान में रखने वाली है वो है आपका काम, वो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऑर्डर, चाहे वो स्विगी का हो, जोमैटो का हो या किसी भी कंपनी का हो, जब आप रेस्टोरेंट से पिक करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑर्डर को सेफली हिफाजत से कस्टमर को पहुंचाना। अब उसके लिए क्या मिलता है, आपको लोकेशन मिलती है और कस्टमर का एड्रेस मिलता है, और इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको सही लोकेशन पर जाके, सही एड्रेस पर जाके सही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना। इसी में ही कुछ राइडर जो होते हैं, ख़ास तौर से जो नए राइडर लोग होते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सस्पिशियस कैंसिलेशन आ जाता है उनकी आईडी पर, उनकी आईडी कैंसिल कर देती है, चाहे वो स्विगी हो या जोमैटो हो। राइडर लोग क्या होते हैं, अक्सर उस चीज़ को समझ नहीं पाते। कंपनी जो है अपनी एप्लीकेशन में भी इन चीज़ों को मेंशन करती है, लेकिन क्या होता है, सब कुछ इंग्लिश में होता है, राइडर लोग नहीं समझ पाते कि कंपनी ने लिखा क्या है, और उनकी इस लापरवाही की वजह से, उनकी इस जानकारी ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप किसी भी चीज़ की डिलीवरी करें, स्विगी है, जोमैटो हो, एक्स वाई जेड, कोई सी भी डिलीवरी करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में आने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि जो आपके पास ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को ध्यान से आपको रीड करना। सपोज करो आपकी आईडी पर कोई ऑर्डर आया और उस ऑर्डर को आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आपका काम बनता है कि उसकी लोकेशन को चेक करके रेस्टोरेंट पर जाएंगे। अगर आप ध्यान से रेस्टोरेंट पढ़ेंगे तो आप सही रेस्टोरेंट पर जाएंगे। अब सही रेस्टोरेंट पर जाने के बाद आपको क्या होता है, आपको मालूम है कि आपके पास क्या होता है, ऑर्डर आईडी नंबर होता है, उस ऑर्डर आईडी नंबर को रेस्टोरेंट पर बताना होता है और आपको ऑर्डर लेना होता है। तो सबसे पहला काम आपका यही बन जाता है कि जो ऑर्डर है, यानी कि जो ऑर्डर आईडी का आपको ऑर्डर लेना है, उस ऑर्डर आईडी को जो रेस्टोरेंट पर आपको ऑर्डर मिल रहा है उस आईडी से मैच कराना। दूसरी बात, जब आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो उसमें आइटम लिखे हुए होते हैं, उन आइटमों को भी मैच करना होता है। ये नहीं कि आपको रेस्टोरेंट ने पार्सल पैक करके दे दिया और आपने आँख बंद करी और आप कस्टमर की लोकेशन पे चले गए, इस यही मिस्टेक होती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है, शायद आपको जानकारी हो, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आइटम आपको मिल रहा है उसको बराबर चेक कीजिए। और चेक करने के बाद दूसरी चीज़ होती है, उसमें कोई लिक्विड का सामान तो नहीं है। अगर लिक्विड का सामान है तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि अगर वो कागज़ में है और आपको मालूम है कि आप उसको लेकर जाएंगे वो लीकेज हो जाएगा, तो उसको आप रेस्टोरेंट पर रिक्वेस्ट करें कि सर इसको आप प्लीज़ पॉलीथीन में पैक कर दीजिए, अदरवाइज ये लीकेज हो जाएगा। तो ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, जैसा कि जूस वगैरह होता है, शेक वगैरह होता है, वो लिक्विड में हो, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप प्रॉपर पैक कराएं। अगर प्रॉपर पैक नहीं करता है रेस्टोरेंट वाला, तो स्विगी है, जोमैटो है, हर एप्लीकेशन में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, उस ऑप्शन में जाकर आप जो है हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं, और हेल्प सपोर्ट में जाकर आप स्विगी या कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप प्रॉपर तरीके से वहां से आप ऑर्डर ले लें रेस्टोरेंट से, तो रेस्टोरेंट पर ऑर्डर लेने के बाद जो आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कस्टमर की सही लोकेशन, सही एड्रेस पर जाना होता है, और वहां पहुंचने के बाद आपको जो कस्टमर का नाम है आपके पास, यानी कि आपके एड्रेस में कस्टमर का नाम भी आता है, उस नाम को मैच कराना है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं। आप जिसको भी ऑर्डर दें, आप कंफर्म करिए कि ये फला नेम का, सुनील का या शावेस का, शायद शाहिद का, जिसका भी है, आप कंफर्म करें कि फला नाम का, इस नाम का ऑर्डर है, क्या आप ही हैं या नहीं है, यानी कि सही तरीके से कंफर्म कीजिए और सही हाथों में उसको ऑर्डर दे दीजिए। उसमें प्रॉपर आप एड्रेस भी मैच कीजिएगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सही लोकेशन, सही एड्रेस और सही आदमी जिसका वो पार्सल है उसको आप डिलीवर करिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कॉल करके कन्फर्म कीजिए कि सर आपका ऑर्डर है, मैं स्विगी से, जोमैटो से राइडर में बात कर रहा हूँ और आपका ऑर्डर मैंने
उसको डिलीवर कर दिया। सपोज करो जिसके नाम से ऑर्डर है वो बंदा उस रूम पर या उस बिल्डिंग में या उस फ्लैट में नहीं है, तो आप जिसको ऑर्डर दे रहे हैं उसका एक बार नाम कन्फर्म कीजिए, और कन्फर्म करने के बाद जिस अब आपके पास क्या होता है कि एड्रेस में कस्टमर का मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके बोलिए कि सर मैंने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और इस पर्सन को जो भी आपको नाम बताया गया हो डिलीवरी टाइम पर उसको आपको मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी से अगर आप काम करते हैं और इसके बीच में भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी से काम करना है, तो उम्मीद है कि आप आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्विगी है जोमैटो है इनके एप्लीकेशन में मेंशन होता है। स्विगी के एप्लीकेशन में स्विगी स्कूल है, रोंग एक्शन है, उनमें अगर आप खाली टाइम पर आप जाकर चेक करेंगे तो इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ होता है, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। तो उम्मीद है कि 2023 में क्या और आगे भी आप उम्मीद अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फुली केयरफुली से अच्छा काम करेंगे। आप अच्छा काम करेंगे फुली रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग करेंगे और आने वाले नुकसान से बचेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए कंपनी कोई सी भी हो कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता आप काम करें या काम नहीं करें, लेकिन हाँ आप पर फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फुली रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।